जय हिंद। मैं इस वीडियो में आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों को 16 फरवरी को होने वाले मैथ के बोर्ड एग्जाम के लिए 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूं। और मैं आज इस वीडियो में इन 30 प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताऊंगा, जिससे बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी 30 प्रश्नों का उत्तर को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 156 का, दो से लगाएंगे कितना हो जाएगा, एक दो से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 सती 14, फिर एक बचा और 2 8 16 यानी 78 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 39, फिर इसको 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 13। तो इसको अब तो कटेगा नहीं, अब देखते हैं इसको लिख के। तो 2 × 2 × 3 × 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 2 × 2 × 3 × 13 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहां दिया हुआ शांत और अशांत, तो पहले समझेंगे कि शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती क्या होता है। तो शांत आवर्ती उसको बोलते हैं जिस भिन्न के हर में केवल 2 या 5 के गुणज हो, उसको शांत दशमलव कहेंगे। उसके बाद जैसे 2 या 5 के अलावा 3, 4, 3, 4, 6 ये सब आ जाए, तो ये सब अशांत आवर्ती होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं सवाल में 6/15 लिखा हुआ है, तो 6/15 है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। तो क्या बोले कि हर में आना चाहिए या तो 2 या तो 5, तो यहाँ तो 5 आ गया है, या तो 2 भी रहता या तो 5 रहता, कोई दोनों में से कोई एक रहता तो हो जाता शांत आवर्ती, ठीक है ना। तो इसका लास्ट में इसका हर में क्या आया है, 5 आया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुनें। तो बहुपद की शून्यकों की संख्या चुनना है, तो देखना है कि एक्स एक्सिस के बारे में बोला हुआ है पीएक्स, तो एक्स एक्सिस में देखते हैं कितना बार टच करता है, एक बार यहां टच किया, फिर दूसरा यहां टच किया, फिर यहां, तीसरा यहां और फिर चौथा यहां, यानी 4 बार एक्स एक्सिस को टच किया, इसलिए इसका ऑप्शन बी नंबर दिया हुआ है 4। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल है, नेक्स्ट 4 नंबर सवाल है, x²-7x+12 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, x²-7x+12, तो इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x²-7x को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -4x, फिर -3x, -4x और -3x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -7x, और -4x और -3x को अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहां लिख दिए 12। अब इसे x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लिए तो x-4, और इसमें से -3 कॉमन ले लिए तो इसमें भी हो जाएगा x-4, तो इसका 2 फैक्टर हो गया x-4 और एक हो गया x-3। तो इसका निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 और एक x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो बोल रहा है इसमें कि शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग है यानी दोनों का योग बोल रहा है, तो 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 7, जो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, जो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 दिया हुआ है और a2x + b2y + c2 = 0 दिया हुआ है, का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा इसमें कौन सा होगा, यानी a1 by a2 = b1 by b2 ≠ c1 by c2 अगर है तो इसमें से कोई हल नहीं होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है, समीकरण x-y + 9 = 0 और 3x-2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी, तो के द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अगर a1 by a2 ≠ b1 by b2, अगर a1 by a2 ≠ b1 by b2 रहे तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी होगा, और अगर a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2 रहे तो क्या हो जाएगा, संपाती होगा, या इसी को क्या बोलेंगे, संगत, ठीक है। और a1 by a2 = b1 by b2 ≠ c1 by c2 अगर ये रहे तो क्या हो जाएगा, समांतर होगा,
समांतर, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। पहले दिया हुआ x माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई प्लस नौ बराबर जीरो, और दूसरा दिया हुआ थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस बारह इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले करते हैं a1 वन बाई ए टू, यानी ए वन यानी एक्स का कोफिशियंट कितना है, x का गुणा कितना है, तो कुछ नहीं है इसके सामने, तो एक होगा यानी एक हो गया बटा, और ए वन बाई ए टू इसका x, x के आगे यहाँ कितना है तो तीन है, ठीक है। और फिर करते हैं बराबर, और y के आगे कितना दिया हुआ है तो कुछ नहीं है, तो एक होगा इसका गुणक, और जबकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसलिए माइनस वन बटा, और यहाँ y का, y के आगे कितना है तो माइनस दो, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी एक बटा तीन बराबर बोल रहा है एक बटा दो, क्या होगा, कभी भी नहीं होगा एक बटा तीन बराबर एक बटा दो, इसलिए ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, इसलिए क्या होगा, अभी बोले थे ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू रहे तो इसके आगे बोलेंगे इसको प्रतिच्छेदी बोलेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ प्रतिच्छेदी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सात नंबर सवाल है। समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर छह और 5x माइनस वाई बराबर वन का हल क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे पहले, 2x प्लस वाई बराबर छह और 5x माइनस वाई बराबर वन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर सेवन, तो सेवन से सेवन भी कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया वन। अब x बराबर वन है जो समीकरण नंबर एक में या दो किसी में भी रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो x बराबर वन रखते हैं तो दो गुने वन प्लस वाई बराबर छह, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, दो को एक से गुना करेंगे दो, और ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो छह माइनस दो बराबर चार, यानी एक्स का मान कितना आया एक आया, और वहीं वाई का मान कितना आया चार आया, ठीक है ना। देखते कौन सा ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स बराबर वन और वाई बराबर चार। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, नौ नंबर सवाल है। निकित में से कौन द्विघात समीकरण है, अब एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो बोल रहा है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसको सबको चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके। तो हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं ऑप्शन सी होगा इसका, इसको चेक करके हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर टू इंटू एक्स माइनस थ्री। यानी द्विघात समीकरण बोला है तो द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना, बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू एक्स प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक, फिर बराबर हो जाएगा दो को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा टू एक्स, फिर माइनस दो को माइनस तीन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस छह, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दो एक्स ये बराबर के इधर है, इधर दो एक्स है, ये दो एक्स ये दो एक्स डायरेक्ट हम काट सकते हैं क्योंकि बराबर के इधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये माइनस सिक्स है ये बराबर के इधर ले गएंगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस छ और प्लस एक यानी एक्स स्क्वायर प्लस सात, यही एक द्विघात समीकरण है। बाकी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, चार में दिया हुआ है एक्स क्यू आ गया तो क्यू तो होगा ही नहीं, बाकी इस सब में देखेंगे तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इससे भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इससे भी कट जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दस नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस छह बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति क्या होगी, के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण वाला जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे, ठीक है, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक होगा इसका गुणक, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा एक, वहीं बी बराबर यानी एक्स का गुणक देखना है तो बी बराबर कितना हो जाएगा सात, और सी बराबर कितना हो जाएगा छह, c बराबर कितना हो जाएगा छह। अब देखना इसके प्रकृति को चेक करना है, तो d बराबर हम जानते हैं क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बैठाते हैं, तो b का मान कितना दिया हुआ सात, यानी सात के स्क्वायर माइनस चार, फिर a का मान कितना दिया हुआ एक दिया हुआ, और c का मान कितना दिया हुआ तो छह दिया हुआ, तो सात का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा उनचास माइनस चार छह चक चौबीस हो जाएगा, ठीक है ना, तो उनचास में से चौबीस घटेगा तो कितना बचेगा पच्चीस, कितना बचेगा पच्चीस, ठीक है। तो इसका जो होगा मूलों की प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक वास्तविक मूल तथा भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना, यानी वास्तविक मूल तथा असमान होगा, तो वास्तविक मूल तथा असमान होगा। अगर यही d बराबर, ये तो प्लस में आ गया, यही d बराबर अगर अगर d बराबर माइनस पच्चीस आता, अगर d बराबर माइनस पच्चीस आता तो क्या हो जाता कि समीकरण का कोई मूल नहीं होगा, ठीक है ना, समीकरण का कोई भी मूल नहीं होगा। और यही d बराबर अगर जीरो आता, अगर जीरो आता तो दो मूल क्या होते बराबर होता, इसका जो दोनों मूल है वो बराबर होता है, यहां तो d बराबर सिर्फ 25 आया है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा असमान होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर,
नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है, अधिद्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का मूल समान है तो k का मान क्या होगा। तो k का मान निकालने से पहले हम लोग जानते क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहां सबसे पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे इसको। ठीक है, इसको इससे तुलना करेंगे तो देखते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, x के गुणक कितना है तो 1 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, वहीं b बराबर कितना हो गया, माइनस 4 हो गया, और c बराबर कितना हो गया तो k हो गया। यही k का मान निकालना है यहाँ पे, तो b स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है तो 1 है, और c का मान कितना है तो k है बराबर 0। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 4 गुना k बराबर 0। तो आप क्या करेंगे कि 16 बराबर 4 के, तो k का मान कितना निकल गया, इसको इससे काटेंगे तो 4 × 16 यानी k बराबर कितना आंसर हो गया तो 4। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है k बराबर 4, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल है, एपी दिया हुआ है 24, 21, 18 का सार्व अंतर यानी इसका कॉमन डिफरेंस यानी d का मान निकालना है। तो d बराबर हम क्या जानते हैं कि a2 माइनस a1 होता है। ठीक है ना, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, इसी तरह करके a2 माइनस a1 निकालना है। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 24, तो 21 तो छोटा है तो घटा के क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। 21 में से 24 गया कितना जाएगा, 3 तो बचेगा, माइनस में बचेगा लेकिन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ 3, माइनस 3 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर सवाल है एपी 2, 7, 12 का 10वां पद निकालना। ठीक है ना, इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले दिया क्या हुआ, यानी ए बराबर क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है फर्स्ट पद, और इसका जो सार्व अंतर है यानी d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यानी 7 में से 2 गया कितना बचेगा तो 5 बचेगा, तो d बराबर 5 निकल गया, और n बराबर है 10वां पद बोल रहा है ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10। अब निकालना है हमको 10वां पद निकालना है, हम जानते क्या है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस n का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, माइनस 1, और d का मान हम निकाले कितना है, 5 गुना 5 करेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस 10 में से 1 गया कितना बचेगा, 9, 9 को 5 से गुना करेंगे तो कितना देगा, 45, तो 45 और 2 इसको जोड़ेंगे कितना देगा, 47। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, 47 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर सवाल, नेक्स्ट 14 नंबर सवाल है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक है ना, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है, त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समानांतर है बीसी के, ये डीई जो है वो बीसी के समानांतर है। ठीक है ना, जिसमें से बीडी बराबर 7.2 दिया हुआ, बीडी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 7.2, एई बराबर दिया हुआ है 1.8, तो एई बराबर कितना हो जाएगा, 1.8, फिर ईसी बराबर दिया हुआ 5.4, ईसी बराबर कितना दिया हुआ, 5.4। हमको एडी का मान निकालना है, ये एडी का मान निकालना, मान लेते हैं एडी बराबर एक्स है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एडी बटा डीबी बराबर में, फिर ए बटा ईसी, तो एडी का मान हमको निकालना है, तो यहां लिख देंगे एक्स बटा डीबी का मान कितना दिया हुआ, 7.2 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ, 1.8, और फिर ईसी का मान कितना दिया हुआ, 5.4। ये दशमलव से दशमलव कट गया, फिर 18 से काटेंगे कितना बार में, 18 × 54। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे इसको कितना बार में कट जाएगा, तो 24 × 72 यानी 2.4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 2.4। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ 2.4, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है, नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 6√3, एसी बराबर 12 और बीसी बराबर 6 है, तो कोण का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं, एबीसी, ए बी और सी, एबी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 6√3, एसी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, बीसी बराबर कितना दिया हुआ, तो 6 दिया हुआ। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसको समकोण त्रिभुज मानते हैं, समकोण त्रिभुज है तो मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो देखते 30, 60, 90 से वो ट्रिपलेट जानते हैं, 30, 60, 90। ठीक है, तो 30, 60, 90 √3 और
2, इससे तुलना करेंगे, ठीक है ना। 30, 60, 90 वन रूट अंडर थ्री और 2 से तुलना करेंगे। तो 30 देखो, अगर ये निकालना इसमें से कौन सा है, अच्छा बी का मान निकालना ना, बी का मान ही निकालना है। तो बी देखो कितना दिया हुआ है, बी यानी ए बी 90 के सामने कितना दिया हुआ है, 2, ठीक है। 90 के सामने कितना दिया हुआ, तो 2, और यहां 90 के सामने यहां कितना दिया हुआ, 12, ठीक है। तो देखते हैं ए बी, ए बी बी सी और ए सी दिया हुआ, ठीक है ना, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ, 6√3, बी सी कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, और ए सी कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम काट के देखते हैं, तो 6 से कटेगा एक बार में, फिर 6 से कटेगा ये भी एक बार में, 6 से कटेगा दो बार में, यानी कितना जगह √3, 1 और 2। इसमें से हमको कौन सा मान पूछ रहा है, तो कौन बी का मान पूछ रहा है, यानी कौन बी का मान यहां से, ठीक है। तो कौन बी का मान कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि √3 जहां रहेगा वहां हमारा हो जाता है क्या, 60 डिग्री, ठीक है। और जहां 1 रहेगा वहां कितना हो जाता है, 30 डिग्री, और जहां 2 रहता है वहां कितना हो जाता है, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो हमको ये बी का मान पूछा है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगा। इसके इसके बीच की दूरी निकालना है, तो हम जानते हैं इसके बीच की दूरी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, क्या हो जाता है, x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो देखिए यहां हो गया ये मेरा x1 हो गया, ये हो गया y1, और वही ये हो गया मेरा x2 और ये हो गया y2, ठीक है। तो देखते हैं रूट अंडर में x2 का मान कितना दिया हुआ, 4 माइनस, और x1 का मान कितना दिया हुआ है, 2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ, तो 3 दिया हुआ, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट अंडर में। चलिए सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 गया कितना बचेगा, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 4, फिर 1 में से 3 गया तो -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 8, और 8 जो करेंगे कितना निकल जाएगा इसका, 2√2, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर सवाल, बोल रहा है बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु निकालने बोल रहा है, तो किसका किसका, तो 2, 5, 4 और 7 का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2, और वहीं y बराबर क्या होता है, y1 + y2/2, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब बैठा के देख लेते हैं इसको, तो x1 + x2 यानी x1 का मान कितना दिया हुआ, 2 + x2 का मान कितना दिया हुआ, 4, फिर बटा कितना है, 2, फिर y1 का मान कितना दिया हुआ है, 5 + y2 का मान कितना दिया हुआ है, 7/2, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, उसको 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 3, वही y का मान कितना, 7, 5, 12 को 2 से भागा देंगे तो कितना देगा, 6, तो 3 और 6 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल है, यदि ये 0, 0, B, 5, 0 और C, 0, 6 हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने से पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ सबसे पहले क्या होगा, x1, फिर क्या हो जाएगा, y2 - y3 + x2, फिर हो जाएगा y3 - y1, फिर प्लस x3 क्या हो जाएगा, y1 - y2, ठीक है। तो इसमें से दिया हुआ है यानी a 0 0, b 5 0, c 0 6, तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, x1 y1, फिर इसको लिखेंगे x2 y2, फिर लिखेंगे इसको x3 और y3, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर इस पर क्या करेंगे, सारा बैठा देंगे तो देखेंगे कौन सा आंसर आएगा इसमें से। तो इसका सारा फॉर्मूला इसमें जो बैठा उठा सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 15, क्या जाएगा, 15, ठीक है ना। क्या करना, जैसे x1 है ना, तो x1 के यहां मान यहां बैठा देना, फिर ब्रैकेट, फिर y2 - y3, y2 का मान कितना दिया हुआ, 0, यहां 0 बैठाना है, -y3 का मान कितना दिया हुआ, तो 6, बस इसको बैठा के सोल्व कर देना है, तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, 15। इस बस इस सवाल को सोल्व करने के लिए बस इसको आपको ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना होगा, बाकी आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना देगा, 15। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट 20 नंबर सवाल है,
साइन ए बराबर 3/5 तो टेन ए का मान क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर क्या होता है तो पी बटा एच, तो पी क्या होता है लंब होता है और एच क्या है तो कर्ण, ठीक है। तो हमको निकालना है टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है पी बटा बी, पी क्या हो गया लंब बटा बी क्या हो गया आधार, ठीक है। तो आप जानते होंगे ट्रिपलेट एक तीन चार और पांच, ठीक है, तीन चार पांच, तो यहां तीन और पांच दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि बी यानी आधार का मान कितना निकल जाएगा, बी यानी आधार का मान कितना निकल जाएगा, चार निकल जाएगा, ठीक है। या इसको सोल्व कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, बैठा लीजिएगा तो आपको जो आधार का मान निकलेगा वो चार निकलेगा, ठीक है ना। तो हमको टेन ए का मान निकालना है, तो टेन ए का मान क्या हो जाएगा पी बटा बी यानी लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान दिया हुआ तीन और आधार का मान हम निकाले कितना चार, तो 3/4 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट 21 नंबर सवाल है, 2 sin² a = 1 तो कोण a का मान निकालना, ठीक है ना, तो 2 sin² a = 1, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर के गुना में है तो बराबर को उधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो भागा में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2। अब स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट अंडर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर 1/√2 हो गया, तो साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री, जो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है cos 48 - sin 42 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, cos 48 को हम लिख सकते हैं cos 90 - 42, यानी cos 90 में से 42 तो cos 48 ही होगा, और फिर माइनस क्या हो जाएगा sin 42 हो जाएगा, ठीक है। अब cos 90 - थीटा, यानी क्या हो गया, थीटा का मान हो गया, ठीक है। cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा होता है, तो यहां भी हो गया sin 42 - sin 42, तो sin 42 - sin 42 करेंगे कितना जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, इसको इससे काट भी सकते हैं या घटा के भी जीरो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, ठीक है ना, क्या है भूमि के पाद बिंदु से कितना 30 मीटर तक इसका दिया हुआ, ठीक है ना। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ, 30 डिग्री इसका उन्नयन कोण दिया हुआ, कितना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ। और मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, x मीनार की ऊंचाई ये हो गया, ठीक है ना, इसका हाइट निकालना है। तो हम जानते हैं कि टेन इसमें क्या होगा, टेन थर्टी डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी यानी लंब बटा आधार, तो एक्स बटा 30 लिखेंगे, एक्स बटा 30, और टेन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कि 1/√3 होता है, फिर बराबर में एक्स बटा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको गुना कर देंगे, एक्स को इससे गुना करेंगे तो √3x = 30, अभी एक्स है गुना में तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है ना, 30/√3। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर भी √3 से गुना कर देंगे अपने मन से, और नीचे भी अपने मन से गुना कर देंगे, क्योंकि जब काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 30√3, अब बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 10, यानी 10√3 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है ना, तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है ना, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल है, अधिक टीपी PQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110 डिग्री है, तो PTQ का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है POQ का मान कितना दिया हुआ 110 डिग्री, और PTQ का मान पूछ रहा है, तो एक तरह से देख रहे हैं तो ये मेरा चक्रीय चतुर्भुज की तरह दिख रहा है, तो ये 110 डिग्री है, तो इसका सामने वाला भी क्या होगा, माने ये और ये दोनों कोण मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों सामने वाला कोण को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से ये 110 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका
80 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, यानी 70 डिग्री और 110 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ 110 दिया हुआ है, यानी 70 होना चाहिए, यानी PTQ का मान कितना हो जाएगा तो 70 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो यदि एक वृत्त का परिमाप, तो हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल भी बराबर बोल रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ये पाई से ये पाई कट गया, ई आर से ई आर कट गया, यानी एक आर यहां बचा, यानी आर बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो उस वृत्त की त्रिज्या 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर सवाल है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है ना, तो ये 7 मीटर जो लंबा रस्सी दिया हुआ वो हमारा त्रिज्या दिया हुआ। ठीक है ना, आर बराबर कितना हो गया 7 हो गया, तो वही बोल रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही वृत्त घोड़ा जो है मतलब घास के मैदान में बंधा हुआ उस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी त्रिज्या दिया हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है तो 22/7, और आर का मान कितना दिया हुआ 7, और फिर स्क्वायर है तो एक और 7 हो जाएगा। ठीक है, इस 7 से 7 कटेगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 154, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर सवाल है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें से सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात करना, तो सबसे बड़े बांस की लंबाई निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब बैठाते हैं, लंबाई इसमें कितना दिया हुआ 12 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ 9 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 8 मीटर। ठीक है, इसको बैठाते हैं, रूट अंडर में एल का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, वही 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा तो 64 आ जाएगा। इसको अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289, जो 289 किसका रूट अंडर होता है तो 17 का रूट अंडर कितना होता है 289, यानी 17 को स्क्वायर करेंगे 289 उसको रूट अंडर करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट 29 नंबर सवाल है, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, से कम प्रकार के तोरण। ठीक है, से कम प्रकार का तोरण कहते हैं, आप याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो प्रायिकता होने के लिए क्या होता है कि जीरो इज लेस देन इक्वल टू पी ए इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1.5, यानी 1.5 इसको जब सोल्व करेंगे दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा 10 नीचे 5 3 15 और 5 2 10 यानी 3/2 क्या हो जाता है कि 1 से बड़ा हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी सब में देखेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, 0.72 क्या आ जाएगा 1 से छोटा ही है, 15% को भी सोल्व करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, इसको भी सोल्व करेंगे तो 0.4 का समथिंग में आएगा। तो क्या होना चाहिए कि 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया है, इसके बाद दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। थैंक यू, जय झारखंड।